अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ कलेजी मसाला। तो मैंने इसके अंदर प्याज 3 से 4 अदद ब्राउन कर दी थी और अब मैं डाल रही हूँ 2 से 3 अदद मैंने टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ। बस मैं डाल रही हूँ अब इसके अंदर धनिया पाउडर और इसके अंदर जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और हल्दी। ये हम मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें भी ऐड करेंगे। जाएगा 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट कर रही हूँ। अब आधा किलो मेरे पास कलेजी रखी हुई थी, कलेजी को मैंने 10 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में ऐड किया, छोड़ दिया था, तो इससे ही जो है ना कलेजी की वो जो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरे पास आधा किलो जितनी कलेजी, और कलेजी मेरे पास मटन की है, तो मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी मसाला कलेजी, बहुत मज़े की बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। अब मैं इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, पानी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर वो दम पे रखूँगी 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमारी कलेजी कहाँ तक पहुँची। वहाँ पर मेरा जो है कलेजी का जो सालन है, थोड़ा पानी रह गया है। अब मैं इसके अंदर करूँगी आग इसका फुल कर दूँगी और मैं इसके अंदर करूँगी दही हाफ प्याली में इसमें मैं दही ऐड करूंगी और इसका पानी खुश्क होने का हम इसे पकाएंगे। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा कलेजी मसाला तैयार हो रहा है, पानी सारा खुश्क हो गया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरी मिर्ची, धनिया और नींबू का 1 अदद रस। सारा खुश्क हो गया, ये देखें कितने मज़ेदार से लग रही है, ऑयल ऊपर आ रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। ये देखें, ये नींबू का रस हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि इससे कलेजी की खुशबू अच्छी आती है। और इसकी हीट तो वैसे ही हमने सिरका लगा के ख़त्म कर दी थी। 1 अदद नींबू का रस डालेंगे, साथ में हरी मिर्चें, धनिया, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है तो स्पेशल बकरा ईद के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। और कलेजी तो वैसे ही कुर्बानी के वक्त कलेजी तो मस्त होती है, तो ये इसके लिए मैंने आपको स्पेशल ईद के लिए रेसिपी दी है। मसाला कलेजी बहुत मज़े की बनती है, मिर्चें आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि हम कम खाते हैं तो कम इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा एंड में, तो इसमें से 4 चांद लग जाएंगे हमारे खुशबू में और बहुत मज़े की बनेगी। तो हम अभी दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। हमारी फाइनल लुक कलेजी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बहुत मज़े की लग रही है, बहुत टेस्टी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। क्योंकि ईद का मौका है इसी वजह से मैं आप लोगों को इसी तरीके की रेसिपी बता रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।